आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने किसी चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म पर आधारित उदाहरण देखे। आज इस वीडियो में हम बहुभुजों के अंतः कोणों का योगफल ज्ञात करना सीखेंगे। क्या आप दिखाई गई आकृतियों के कोणों का योगफल बता सकते हैं? पहली आकृति एक त्रिभुज है जिसके सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। दूसरी आकृति एक चतुर्भुज है और पिछली वीडियो में हमने जाना था कि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। क्या अब आप इन आकृतियों के अंतः कोणों का योगफल बता सकते हैं? एक क्रियाकलाप की सहायता से प्रयास करते हैं। आइए इस पंचभुज से शुरुआत करते हैं। आपको याद होगा कि चतुर्भुज के सभी कोणों का योगफल हमने चतुर्भुज को दो त्रिभुजों में विभक्त करके ज्ञात किया था। इसी तरह हम पंचभुज को भी त्रिभुजों में विभक्त कर सकते हैं। यदि हम पंचभुज के किसी शीर्ष माना M से विकर्ण बनाते हैं तो ये पंचभुज तीन त्रिभुजों में विभक्त हो जाता है। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अगर हम तीनों त्रिभुजों के कोणों के योग को जोड़ दें तो हमें पंचभुज के अंतः कोणों का योगफल मिल जाता है जो कि 540 डिग्री है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल 540 डिग्री होता है। इसी तरह हम षटभुज, सप्तभुज तथा अष्टभुज को त्रिभुजों में विभक्त कर उनके अंतः कोणों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि विकर्ण बनाने पर हमें षटभुज में 4, सप्तभुज में 5 तथा अष्टभुज में 6 त्रिभुज मिलते हैं। बहुभुज में त्रिभुजों की संख्या तथा एक त्रिभुज के कोणों के योगफल का गुणन करने पर हमें उस बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल मिल जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योगफल उस बहुभुज के एक शीर्ष से विकर्ण बनाने पर बनने वाले त्रिभुजों की संख्या तथा 180 डिग्री के गुणन फल के बराबर होता है। आइए अब तक हमने जो सीखा उसकी सहायता से इस तालिका को भरते हैं। इस तालिका पर गौर करने पर हम देखते हैं कि प्रत्येक बहुभुज में बनने वाले त्रिभुजों की संख्या बहुभुज की भुजाओं की संख्या से 2 कम है। इस तालिका की सहायता से किसी n भुजाओं वाले बहुभुज के कोणों के योगफल के लिए हमें ये सूत्र मिल जाता है जहां n किसी बहुभुज में भुजाओं की संख्या है। आज इस वीडियो में हमने किसी n भुजाओं वाले बहुभुज के कोणों का योगफल ज्ञात करना सीखा।